आवाम तो भुखी मर गई, इन्होंने बस का रोक नहीं है, इन्हें रेंदे भी जड़े ने भी मार देने ने। 15 महीने ने हुकूमत की है, आवाम ने इन्हें जलील करके रख दिता है, इन्हें बेड़ा गर्क कर दिता है। गरीब आदमी सब्जी नहीं ले सकता, गरीब आदमी सड़क से रुल के मर गया है। सेब गरीब आदमी की किस्मत च नहीं, अंगूर फ्रूट रेहड़ी ने नेड़े नहीं लगन देंगे, वो कहते हैं जी पिछो ही महंगा है। सब्जियां ने सब्जी की दुकान पर गया, उन्हें आखिर जा भाई लैने से लाओ खिजा, यह कोई तरीका है, यह मुल्क है। नवाज शरीफ ने मौका दवा नवाया मौका अगे अठारी बारी मौके लेने सड़की किया है हुण की जन्नत बना रहे हैं इन्हें तो तिलकन वास्ते बनाई मरण वास्ते बनाई जी नहीं बैठे कि ये शुरू तो ही झूठे ने ये नवाज शरीफ खानदान है ये वन टू आल इन्हें कबीना भी जी है ना वो भी झूठी हैगी है ये गलत ने शुरू तो ये शुरू तो इन्हें प्रासद मुल्क सवार चाहे पैसा इकट्ठा किया है सानू ये दसन कितने गए हैं मुख्तलिफ मुकाम तू इन्होंने वजीर मिनिस्टर हर चीज हुण भी उन्हें यही चोर बाजारी लाई हुई है। हर आवाम वास्ते आवाम नू की दिता है 15 महीने ने हुकूमत की है, आवाम नू इन्हें जलील करके रख दिता है, इन्हें बेड़ा गर्क कर दिता है। गरीब आदमी सब्जी नहीं ले सकता, गरीब आदमी सड़कों से रुल के मर गया है। ये कहते ने ये आए ने अपने झूठे मुकदमात जिन्हें भी इन्हें तो मुकदमात वन टू आल जिन्हें भी ये इन्हें दे कबीना दे सकते झूठ नहीं बोलते, झूठ है तो झूठा नहीं आई जी ने ना करो अपनी गलत दोबारा बोल सर सानू झूठे समझते ने आप तो सच्चे ने क्योंकि इन्हें को इन्हें माल बनाया है थोड़ी यानी कि सोच तू बाला तारे और मेहनत नाल बनाया है मेहनत नाल करप्शन ना बने है कौन कहने मेहनत की थी मियां शरीफ रहमतुल्लाह ने मेहनत की रहमतुल्लाह ये करप्शन माफिया है इन्हें तो आवाम नु जलील खार केड़ी इन्हें की इन्हें मेहनत की थी बाहर बैठे ने यह मेहनत करके आए ने हुण बिल्कुल क्लीयरेंस आउट जो मर्जी करो ये आदमी सारी उम्र भी कहते रहना असि सच्चे हैं बिल्कुल नामुमकिन जी अखा बंद करो एक सेकंड जी अखा बंद करो दसो एक मिनट बंद करो मैं बंद क्यों कर रहा नवाज शरीफ नहीं मैं तुम्हें एक तजर्बा कर अखा बंद करो ओहो नवाज शरीफ की शक्ल आंखों में लेके वो झूठा लगता है मैं यकीन करो मेरी बात सुनो कौन कहता झूठा है बात सुनो उनके बीच तुम्हारा मुंह चोपड़े है ये याद रखा ये पाकिस्तान का मुंह नवाज शरीफ ने चोपड़े है गलत बयानी जड़ी है मुंह सिर्फ उन्हें गल्ला कर दियो पे आज बेड़ा गर्क टर्मिनेशन यूबीएल 5416 मुलाजमीन सड़कों से रोल के मर गए ने उन्होंने बच्चे भुखे मर गए ने असं आप भुखे मर गए ने जलील 5000 यूबीएल हबीब बैंक नेशन बैंक राइट साइजिंग जबरी पर गरीब आदमी जूने ही मर गया महंगाई नहीं जाओ सब्जी 150-200 तू पालक आलू 120 रुपए तू थले नहीं सेब गरीब आदमी की किस्मत च नहीं अंगूर फ्रूट रेहड़ियां नेड़े नहीं लगन देंगे वो कहते हैं जी पिछो ही महंगा है सब्जियां ने सब्जी की दुकान पर गया उन्हें आखिर जा भाई लैने से लाओ खिजा यह कोई तरीका है यह मुल्क है नवाज शरीफ ने मौका दवा नवाया मौका अगे 18 बारी मौके लेने सड़की किया है हुण की जन्नत बना रहे इन्हें तो तिलकन वास्ते बनाई मरण वास्ते बनाई जी नहीं बैठा ऑरेंज ट्रेन पे नहीं और मेरी मोटरसाइकिल जिंदाबाद मेरी साइकिल जिंदाबाद मैं बिल्कुल बुरा ना मना आसान फरामोश कोई सर साढ़े जो इन जिन्हें पैसे लाए ना प्रोजेक्ट से आवाम से लाने आवाम नू देंगे आवाम तो भुखी मर गई इन्होंने बस का रोक नहीं है इन्हें रेंदे भी जड़े ने भी मार देने ने हूँ भाई मार पेट्रोल कितने गया है वो पेट्रोल अज कुछ इन्होंने जो हसासे बाहर ने डिकलेयर कर वापस लिया आवाम का पैसा वापस लिया बैंक च लिया वर्ल्ड बैंक आईएमएफ अगर मेट्रो च नवाज शरीफ ताले नाल आईएमएफ आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को पैसा इन्हें लिया असा तो नहीं लिया गरीब आदमी तो नहीं जेडे बिजली के बिल आ रहे कितों आ रहे ये गरीब आदमी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता रेहड़ी लाने भी आधार से बिजली के बिल आ गए वो बिल क्यों फ्यूल ये इस्तेमाल करते गड्डिया ये यूज लाए तुम्हें गरीब आदमी की एजुकेशन खराब कर दे मियां नवाज शरीफ साहब का आपने बयान सुना मैं तो उन्हें कहा था कि उन्हें सच्चा मान उन्होंने कहा हम कभी झूठ नहीं बोलते ना फिर पीटीए के चेयरमैन भी यही कहते हैं जरदारी साहब भी ये कहते हैं मौलवी फजलुर रहमान साहब भी ये फिर झूठा कौन है हम 1947 से बुजदिल कौम बन के हम 1947 से बुजदिल कौम ही रहे हैं हम बुजदिल कौम ही रहेंगे आज 500 का भी पेट्रोल हो जाएगा ना ये वाम डलवा लेगी इसको अकल ही नहीं है कि क्या हो रहा है इनके साथ क्या होना है अब वो खान साहब को कंपैरिजन कर रहे होते हैं नवाज शरीफ के साथ वो जी मानिका का आ गया कभी कुछ आ गया यार हम कोई मजाक हैं ये लोग कोई मजाक हैं यार हमारे साथ क्या हो रहा है क्या हम आप कुछ बोलेंगे हमें अंदर कर देंगे ये कोई मजाक है यार इससे अच्छा तो फिर पार्टीशन ही ना होती और वैसे ही ठीक था
आप इसी तरह इंटरव्यू लेते, मैं इसी तरह बोल रहा होता तो ऐसे ही ठीक थे। पर कायदे अदन में इतना एहसान क्यों कर दिया हमारे पर, क्यों किया उन्होंने एहसान? आप मुझे बताएं किस चीज़ का एहसान किया था? ना करते एहसान, सिंध उधर है, पंजाब इधर है, के पी आपस में लड़ाई जा रहे हैं, हम सबको लड़ाई जा रहे हैं, कब तक लड़ा लेंगे? हमने ऐसा क्या किया? मैं, मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन हमने भी टैक्स दिए, हमने टैक्स दिए, हम मोबाइल परचेज करते हैं, टैक्स देते हैं, ठीक है, हमने ये फल लिया, इनडायरेक्टली टैक्स जाते ही जाता है, जाता है। या डायरेक्टली उसको आप करें, उसको जान ही जाना है, दुरुस्त कह रहे हैं। तो टैक्स किसको जाता है? इन्हीं को जाता है। हमें क्या फायदा टैक्स का, मुझे बताएं क्या फायदा टैक्स का? सर वो ये ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं, बिजली के मुझे बताएं, ऑरेंज ट्रेन से इनके घर का चूल्हा चलता है भाई? चलता है आपके घर का चूल्हा? आपका चलता है भाई किसी का चूल्हा? कोई चलता हो तो बताओ यार, को मोटरवे आप कितनी, आप बच्चे हो, आप मोटरवे पे कितनी देर आज गए हो? मोटरवे को 2 महीने गए हो? 2 रुपए की रोटी देता था आपको? बोलो बोलो। 2 रुपए की रोटी देता था उसके वक्त में, हर सहूलत थी, 75 रुपए पेट्रोल था, फिर वो कैसे गलत हुआ? 3 साल एक बंदे की हुकूमत रही है, जी रही है, उसके बाद किसने कहा था इनको उसकी कोमत लेने को, जबकि वो संभाल नहीं सकते थे? सुन लो सुन लो सुन लो, मैंने आपकी बात आराम से सुनी है, ठीक है? पेट्रोल की क्या कीमत थी? आपने, मैं, मेरा से दिल चढ़ गया था उन 3 साल बाद, ठीक है? आपने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, आपने अपनी सियासत ही सारी खो दी, आपने पेट्रोल कहाँ ले गए, डॉलर कहाँ ले गए, गरीब का सोचा ही नहीं। जब आया लॉकडाउन हो गया, हर काम उसके वक्त में हुआ ना, मैं कोरोना काम उसने किया, नहीं ना 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 ना, उससे पहले कभी कोरोना नहीं आया, कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ कोरोना फोन करके लेकर आया कि कोरोना आ जाओ, मैं आ गया हूँ कोरोना आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। ऐसा देखो देखो, आप भी देखो, मुसलमान है, मैं मुसलमान, दोनों भाई ले आके आ सकते हैं इलेक्शन के बीच, ये जो मर्जी कर लेने, वोट जेड़े ना इन्हां नूं वोट नहीं मिलना, इन्हां दा वोट है ही नहीं, इन्हां दा वोट बिल्कुल नहीं जाएगा, इन्हां नूं बावा पसंद नहीं करदी, ये जबरी बर्तरफी, ये जबरी सारे मुसल्लत कर रहे हैं। अंकल ये नवाज शरीफ सा नहीं, वोट ना है ही नहीं। मैं आपको बता, अंकल अंकल के आपने जज्बात देख ली, इनकी एज गुजर गई है, और 10 साल 20 साल 30 साल हम तो हैं यार, आगे जनरेशन हमारी, आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? मैं तो बड़े बुरे हालात में देख रहा हूँ पाकिस्तान को, कैसे ठीक करेंगे? आपको मियां साहब की सलाहियतों पे यकीन नहीं है? मियां साहब की सलाहियतें, कौन सी सलाहियतें? खुदा दा सलाहियतें, कौन सी? जाती उम्र जाए तो अभी वो भी और हफ्ते बाद वो बंद हो जाएगा, उधर उसी तरह ही जिस तरह इमरान खान ने हटाया था, वो बाड़े वैसे ही लग जाएंगे। सर मियां साहब की जिंदगी मेरे आपसे ज्यादा कीमती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें, माशाल्लाह वो आजकल तो मर्सिडीज भी बड़ी अच्छी चला रहे हैं, अपनी बेटी को साथ लेके मरी फिर रहे हैं, पूछ रहे हैं नहीं, वो उनके चाहने वाले कहते हैं मुल्की हालात देख रहे हैं। अच्छा वो मरी जाके मुल्की ला देख रहे हैं, देखने कहां था हमने काम करने किन किन, हाँ वो मरियम नवाज को दिखा रहे हैं ना कि इन्हीं रास्तों पे कलसुम और मैं सफर करते थे, बड़े सुहाने वक्त थे, वो उसको वो बता रहे थे। क्या वो सुहाने वक्त खत्म हो गए? तुम ना फिरना सरफराज के साथ कहीं ऐसी फंस जाओ, नहीं नहीं कैप्टन सफदर के साथ, कैप्टन सफदर के साथ कि ये ना फंस जाओ, हम तो उसके आजाद आना थे, आराम से चलते थे, पहाड़ों पे छिड़ते थे। आप मियां साहब के इस बयान को कैसे देखते कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? नहीं माशाल्लाह, मियां साहब कब झूठ बोलते? मेरे बच्चे हैं, मियां साहब कब झूठ बोलते? मियां साहब, सर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला सियासत में, उनकी एक राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, मैं नहीं कह रहा वो झूठे हैं। यही बयान पीटीए के चेयरमैन भी देते हैं, यही बयान यूजुअली जरदारी साहब देते हैं, मौलवी फजल रहमान साहब देते हैं। जब इन लोगों ने झूठ नहीं बोला तो फिर सच्चा कौन है? और जब ये लोग सच्चे हैं तो फिर मुल्क की सालत में कैसे आया ये सवाल? सच्चा मेरा अल्लाह है बस, अल्लाह और उसका हबीब, अल्लाह और उसका हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, कोई नहीं, उसके बाद उसका कोई नेमल बदल नहीं। मियां साहब कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, उसके बाद तशरीह नहीं कर सकता, सब बराबर है, सब बराबर है, बराबर। सर मियां साहब कहते हैं उन्होंने कभी नहीं झूठ बोला, मैं इस बयान से ना मुतासिर भी हूँ, और मैं आवाज़ देने, लेकिन सही बंदा सही है, वो जड़ा झूठ कभी वाजी भी जाता है, लेकिन ये नहीं कि जो आके तो मैं पागा नहीं, झूठ भी वाजी, तुझे उन्होंने सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान ने काम होने की थे ने। एक बात है, अब ये जो बयान आ जाता है कि हम सच्चे हैं, 12 साल तो इन्हें जो लोगों ने जेहन च भर छड़िया ने, ये आजकल वही एक दूजे के गल नू पैंदे ने, पीटीआई वाले दूसरे बंदे गल पैंदे ने,
इन्हों को उन्हें मुआद लोगों ने दिमाग पर छड़िया किया की उन्हें किया की नफरत भेज दी थी कि गल करो अगर लड़न पैंदा नफरत उन्हें किया अदारों पर हमला किन्हें किया इन्हें किया ना और किन्हें किया।